बीपीएससी के अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना स्थित सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंगलवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया। बाद में प्रदर्शनकारी विरोध जताते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे, जिससे भारी हंगामा मच गया। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति हो गई। सड़क पर ही संग्राम मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। उग्र भीड़ पर बल प्रयोग करते हुए पटना पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की तरफ भी अपना रुख मोड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां से भी अभ्यर्थियों को खदेड़ कर भगा दिया। ये भी बता दें, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सभी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ दिया और कहा कि उनकी सभी मांगें जायज़ हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो इस मांग को सदन में भी उठाएंगे। बता दें कि परसों 5 सूत्री मांगों को लेकर अभ्यर्थी जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी पहली मांग थी कि 8 से 9 प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाए, पूर्ण परीक्षा फिर से जारी की जाए। दूसरी मांग है कि ई विकल्प को हटाया जाए। वही तीसरी मांग, 10,000 रिजल्ट कट ऑफ मार्क कम किए जाए। चौथी मांग, CBI जांच की अनुशंसा की जाए। और 5वीं मांग, कि 67 में मुख्य परीक्षा की स्थिति आगे बढ़ाई जाए।